डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टीम कंडेंसर पे, जिसमें कि मास ऑफ वेपर का देखना पड़ेगा कि कितना मॉइस्चर है और कितना वहां पे वाटर वेपर है। ये सारी चीजों को हमें देख के न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो जो न्यूमेरिकल में दिया है, सबसे पहले उसको रीड आउट कर लेते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वी आर मेड ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑन ए स्टीम कंडेंसर। एक स्टीम कंडेंसर पे टेस्ट किया गया, जिससे कि कुछ रिजल्ट निकल के आए। उसके जो रिजल्ट निकल के आए हैं, जो आउटपुट निकल के आया है, उसके बारे में हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर दिया है वैक्यूम इन द कंडेंसर सेल, जो कि 720 mm ऑफ Hg है, जिसे कि हम मरकुरी बोलते हैं। सेकंड है बैरोमीटर रीडिंग, जिसे कि हम 760 mm ऑफ मरकुरी या Hg के नाम से जानते हैं। तीसरा दिया है एयर लीकेज इन टू द कंडेंसर विद द स्टीम। ये मास ऑफ एयर कहलाता है जो कि कंडेंसर के अंदर लीकेज हो रहा है स्टीम के साथ में। ये है 5 kg/h। चौथा पैरामीटर दिया है टेम्परेचर ऑफ एयर एट द इनलेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है इनलेट कंडीशन पे, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। टेम्परेचर ऑफ एयर एट द आउटलेट, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमारे पास भी दिया हुआ है। तो इन डेटा की बेस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसको भी रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमें डिटरमाइन करना है द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द कूलिंग सेक्शन पर आवर। कितना वॉल्यूम जो है कूलिंग सेक्शन में पर आवर के बेस पे एंटर कर रहा है, ये हमें निकालना है। दूसरा, द मास ऑफ मॉइस्चर, जो कि हमें वाटर वेपर कहलाता है, कितना प्रेजेंट है एयर के अंदर, ये हमें निकालना है। तीसरा, मास ऑफ स्टीम कंडेंस पर आवर इन द कूलिंग सेक्शन, ये भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास एक वॉल्यूम है, दूसरा मास ऑफ मॉइस्चर है, तीसरा मास ऑफ स्टीम कंडेंस है। इन तीनों को हमें कंडेंसर के अंदर जो यूज हो रहा है कूलिंग वाटर, उसके हिसाब से हमें कूलिंग सेक्शन में निकालना है पर आवर के बेस पे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रॉब्लम करते हैं, तो सॉल्यूशन के साथ में डेटा गिवन लिखते हैं। डेटा गिवन पहला है हमारा, जो कंडेंसर में वैक्यूम है ये है 720 mm ऑफ Hg। दूसरा है बैरोमेट्रिक रीडिंग, ये है 760 mm ऑफ मरकुरी। तीसरा है मास ऑफ एयर लीकेज, जिसे कि हम ma बोलते हैं, ये दिया हुआ है 5 kg/h। चौथा पैरामीटर है टेम्परेचर ऑफ एयर एट इनलेट कंडीशन, ये दिया है T1 के रूप में, हम यहां पे इसको लिखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको चेंज कर देंगे केल्विन में। तो 30 + 273 करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 303 केल्विन। फिर पांचवा पैरामीटर है टेम्परेचर ऑफ एयर एट आउटलेट, ये अपने पास T2, ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 + 273 करेंगे तो यहां पे 298 केल्विन होगा। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करने हैं उसको देख लेते हैं। टू फाइंड, पहला है वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग, जिसे कि हम VA बोलते हैं, इन द कंडेंसर। दूसरा निकालना है मास ऑफ मॉइस्चर, जिसे कि M1 लिख रहे हैं। एसोसिएटेड विथ एयर। फिर तीसरा निकालना है अपने को मास ऑफ स्टीम कंडेंस, जिसे कि M बोल रहे हैं, ये होता है M1 - ऑफ M2।
तो अब यहां पे फार्मूले क्या यूज करेंगे उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला रहेगा वो एयर प्रेशर के लिए रहेगा, जो कि कंडेंसर प्रेशर माइनस ऑफ स्टीम प्रेशर के रहता है। दूसरा प्रेशर कंडेंसर प्रेशर के लिए फार्मूला रहेगा, जैसे कि बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ कंडेंसर वैक्यूम रहता है फार्मूला। तीसरा फार्मूला वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए रहेगा, जैसे कि एम ए आर टी यहां पे वन रहेगा अपॉन पी ए वॉल्यूम ऑफ एयर एंट्रिंग कंडेंसर में कितना हो रहा है। चौथा फार्मूला रहेगा एम वन के लिए, जो कि मास ऑफ मॉइस्चर है एसोसिएटेड विद द एयर, ये हमने यहां पे डिफाइन किया हुआ है तो इसके लिए फार्मूला लिख देते हैं। ये रहेगा वी ए अपॉन वी जी। फिर नेक्स्ट फार्मूला रहेगा वी ए, जहां पे कि हम मास ऑफ एयर निकालेंगे और टी टू के बेस पे यहां पे चेक करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा एम टू के लिए, जो कि वी ए बाई वी जी रहेगा, और ये मास ऑफ जो स्टीम है ये एसोसिएटेड रहेगा एयर के साथ में। इसको लिख सकते हैं मास ऑफ स्टीम एसोसिएटेड विथ एयर, ये रहेगा। और लास्ट का जो फॉर्मूला रहेगा, जैसे कि हमने यहां पे शो किया था एम इज इक्वल टू एम वन माइनस ऑफ एम टू, तो इसका मतलब है मास ऑफ स्टीम कंडेंस ये है मास ऑफ स्टीम कंडेंस। तो इतने फार्मूले इस्तेमाल करेंगे हमें जो फाइंड आउट करना है उसके लिए, तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर के लिए हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए सबसे पहले हमें मास ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अपने पास आर पता रहता है, टी वन पता रहता है, पी ए पता रहता है, तो हमको जो निकालना है वो मास ऑफ एयर के लिए वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंडेंसर प्रेशर है, जैसे कि हम पीसी बोलते हैं, पीसी के लिए वर्कआउट करेंगे, और पीसी का मतलब यहाँ पे बैरोमेट्रिक रीडिंग और कंडेंसर वैक्यूम है। तो ये दोनों चीज दी है, बैरोमेट्रिक रीडिंग हमारे पास 760 mm ऑफ एच जी दी है, और जो एक्चुअल वैक्यूम होता है जैसे कि वैक्यूम इन कंडेंसर बोलते हैं, ये 720 mm ऑफ मर्क्यूरी दी है। तो जितना भी एमएम ऑफ मर्क्यूरी निकलेगा उसको हमें बार में चेंज करना रहता है, क्योंकि एक एमएम ऑफ एच जी इक्वल टू होता है 0.00133 बार के। तो यहां पे सबसे पहले पीसी निकाल लेते हैं। पीसी बराबर है बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ कंडेंसर वैक्यूम। बैरोमेट्रिक रीडिंग दी है 760 माइनस ऑफ 720, ये आ जाएगा अपने पास 40 mm ऑफ मर्कुरी, और ये 40 mm ऑफ मर्कुरी जो रहेगा इसको यदि हम चेंज करेंगे बार में तो ये निकल के आएगा 0.0532 बार। तो यहां पे अभी हमारे पास कंडेंसर प्रेशर आया है, अब हमें स्टीम प्रेशर निकालना है, जो कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे स्टीम प्रेशर के लिए फ्रॉम टेम्परेचर बेस स्टीम टेबल की बात करेंगे, एट टी वन इज इक्वल टू हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टीम टेबल से इसकी वैल्यू रीड आउट करेंगे कि कितनी वैल्यू है। तो जो रीडिंग आ रही है स्टीम प्रेशर की वो आ रही है 0.0426 बार, ये
30 डिग्री टेम्परेचर पे वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पीए की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो पी इज इक्वल टू है पीसी माइनस ऑफ पीएस, तो पीसी की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.0532, माइनस ऑफ पीएस की वैल्यू है 0.0426, यहां से पीए निकल जाएगा और पीए की वैल्यू आएगी 0.0174 बार, और इसको चेंज करेंगे जब हम 10^5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बार है तो एक बार बराबर होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पे इसको चेंज करेंगे 0.0174 मल्टीप्लाई बाई 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पे पीए की वैल्यू जो आएगी निकल के वो आ रही है 1074 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी के करस्पॉन्डिंग में हम वॉल्यूम ऑफ एयर को निकाल सकते हैं VA, तो VA इज इक्वल टू है फार्मूला हमारे पास MART1 अपॉन VA, जहां पे कि जो मास ऑफ एयर लीकेज है ये दिया हुआ है 5 kg per hour, तो यहां पे इसको पुट कर देंगे 5 kg मल्टीप्लाई बाई 287 मल्टीप्लाई बाई T1, तो T1 की जो वैल्यू है हमारे पास यहां पे 303 वैल्यू है, इसको यहां पे लिख देंगे, और जो PA की वैल्यू है ये है 1074, तो यहां से हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ एयर निकल के आएगा उसको नोट डाउन कर लेंगे, ये वैल्यू आ रही है 404.8 मीटर क्यूब पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए। तो अभी हमने वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट किया था जो कि हमारे पास निकल के आया था 404.8 मीटर क्यूब पर आवर। अब हम बात करेंगे मास ऑफ मॉइस्चर जो कि वेपर होता है एयर के अंदर कितना है, कैलकुलेटिंग द मास ऑफ मॉइस्चर वेपर इन द एयर, इसकी बात करेंगे। तो यहां पे चूंकि हमारे पास टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो यहाँ पे T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम ऑफ वेपर होगा एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम स्टीम टेबल, जो कि हमें टेम्परेचर बेस पे ही देखनी है, उस पे वॉल्यूम ऑफ जो वेपर रहेगा वीजी जिसे हम बोल रहे हैं, ये हम रीड करेंगे स्टीम टेबल से 32.894 मीटर क्यूब पर केजी रहेगी। तो यहां से सबसे पहले जो M1 है, जैसे कि हम मास ऑफ मॉइस्चर एसोसिएटेड विथ एयर बोल रहे हैं, ये हम निकाल सकते हैं। तो M1 इज इक्वल टू हमारे पास पहले वॉल्यूम आया था V1 अपॉन VG कर देंगे, तो V1 की जो वैल्यू थी हमारे पास 404.8 मीटर क्यूब पर आवर थी अपॉन VG, VG की वैल्यू है 32.894, तो यहां से M1 की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 12.30, इसे हम kg पर आवर में निकालेंगे रखेंगे। इसके बाद हम मास ऑफ स्टीम निकालना है कंडेंस पर आवर, तो यहां पे अभी हमने M1 निकाला, फिर उसके बाद निकालेंगे कैलकुलेटिंग M, जिसे कि हम बोल रहे हैं मास ऑफ स्टीम कंडेंस पर आवर इन द कूलिंग वाटर सेक्शन, तो हमें पता है यहाँ पे T2 टेम्परेचर जो दिया हुआ है आउटलेट वाला, इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमारा जो स्टीम प्रेशर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो एट टेम्परेचर T2 जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये भी हम वैल्यू स्टीम प्रेशर की
स्टीम टेबल से, टेम्परेचर बेस वाले स्टीम टेबल से हम रीड आउट कर लेंगे तो स्टीम प्रेशर की जो वैल्यू निकल के आएगी ये है अपने पास 0.03169 बार, ये वैल्यू रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम प्रेशर ऑफ एयर निकाल लेंगे कि प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा। तो प्रेशर ऑफ एयर जो रहेगा वही फार्मूला लगाएंगे पीसी माइनस ऑफ पीएस। हमारे पास पीसी की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं 0.0532, ये हमने कन्वर्ट किया था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर दिया हुआ है। तो माइनस ऑफ जो स्टीम प्रेशर अभी नया आया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। तो जो पीए की वैल्यू है वो निकल के आएगी हमारे पास 0.02151 बार, और इसी को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक बार पर आवर होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 0.02151 इंटू 10^5, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 2151 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है आउटलेट सेक्शन पे वो हम निकाल लेंगे। अभी हमने इनलेट सेक्शन पे निकाला है, वॉल्यूम ऑफ एयर एट आउटलेट सेक्शन जो कि कूलिंग सेक्शन है, यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा VA इज इक्वल टू एम ए आर टी अपॉन पी ए, ये फार्मूला इसका लगेगा। तो एम ए की वैल्यू है 5 के जी बराबर मास ऑफ एयर लीकेज, 287 है हमारी R की वैल्यू, और जो T2 है यहाँ पे T2 रहेगा, इसकी वैल्यू रहेगी 298 दी हुई है, 298 वैल्यू डेटा गिवन में है, अपॉन पी ए, पी ए की वैल्यू अपने पास है 2151 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर जो निकल के आएगा वो रहेगा 196.03 मीटर क्यूब बराबर, ये वैल्यू निकल के आएगी वॉल्यूम ऑफ एयर की आउटलेट सेक्शन के हिसाब से। अब हमको जैसा कि हमने यहाँ पे किया था कि T1 से हमने VG की वैल्यू निकाली थी, वैसे T2 की बेस पे हम VG की वैल्यू निकालेंगे। तो एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू जो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है इस पे हमारी जो VG की वैल्यू रहेगी वो हम देख लेते हैं। तो VG इज इक्वल टू यहाँ पे है 43.360 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहां से हमारे पास M2 की जो वैल्यू आएगी जैसे कि हम बोल रहे हैं मास ऑफ स्टीम कंडेंस विद एयर, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो M2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां पे फार्मूला VA अपॉन VG, तो VA की वैल्यू है 196.03, ये वैल्यू लिखी हुई है जो कि मीटर क्यूब पर आवर में है, और VG की वैल्यू जो है अपने पास यहाँ पे है 43.360 मीटर क्यूब पर केजी। यहां से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो जो M2 की वैल्यू आएगी निकल के वो रहेगी 4.52, तो केजी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और आवर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो केजी पर आवर ये वैल्यू आ जाएगी। और जो अपने को मास ऑफ स्टीम कंडेंस निकालना है बेसिकली जो कि M है वो निकल के आ जाएगा क्योंकि हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू आ चुकी है। तो M1 की वैल्यू ये थी और M2 की वैल्यू ये है, तो मास ऑफ स्टीम कंडेंस इसके लिए फार्मूला जो यूज करेंगे ये रहेगा M1 माइनस ऑफ M2। तो M1 की वैल्यू है 12.30 और M2 की जो वैल्यू है ये है 4.52, तो M की वैल्यू निकल के आएगी जो कि मास ऑफ स्टीम कंडेंस है ये आ रही है 7.78 केजी पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा M1 निकाला है, M2 निकाला है और M1 और M2 के बेस पे हमने M निकाल दिया जैसे कि बोल रहे हैं मास ऑफ स्टीम कंडेंस जो कि वैल्यू है 7.78 केजी पर आवर।